नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा, पैतृक गांव में मां से लिया आशीर्वाद तो नाते रिश्तेदार और परिजनों से की मुलाकात। छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का चूड़ाकर्म संस्कार कार्यक्रम में भी हुए शामिल। चंपावत उपचुनाव को लेकर जनपद में आचार संहिता और धारा 144 लागू। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों को किया गया नियुक्त। निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव करना रहेगा मुख्य उद्देश्य। देहरादून के सरकारी कार्यालयों में नहीं दिखा सीएम धामी के शासन देश का कोई असर। लोक निर्माण विभाग में 10:30 बजे तक नहीं पहुंचा कोई कर्मचारी। एवन टीवी के कैमरे में हुई कैद, खाली कुर्सियों की तस्वीर। खटीमा के आरिफ हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लव मैरिज के बाद उपजी रंजिश में की गई थी हत्या। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, ऋषिकेश समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलों की बौछार। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत तो पर्यटकों के चेहरों पर भी दिखी खुशी। पांच साल बाद अपने बेटे योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी 84 वर्षीय मां सावित्री देवी काफी भावुक हो गई। इस दौरान योगी ने मां से आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ को अपने बीच में पाकर उनके नाते रिश्तेदार व परिजन गदगद हो उठे। बता दें कि अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा अनावरण के सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे थे। इसके बाद वह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और अन्य लोगों के साथ बिथ्याणी स्थित महाविद्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर घर पहुंचे। सीएम धामी और अन्य लोगों ने यहां परिजनों से भेंट की। वहीं घर में रात को उनके छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे का चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम था जिसमें वह शामिल हुए। ऋषिकेश के बीटीसी परिसर से 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा के प्रथम द्वार तीर्थ नगरी में कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागों के अधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय में बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से शहर में जाम की स्थिति, तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्रेक मार देना, इस पर पूरी तरह से फोकस करने की बात जहाँ तक बातचीत मेरी हुई है, और इसके साथ साथ जो पीछे से ट्रैफिक आने वाला है, जो बाहर का ट्रैफिक है, जो सीधा निकलना है, उसको हम लोग श्यामपुर बाईपास से सीधा बाहर निकालने की व्यवस्था पे हम लोग लगे। आरटीओ में जो हमारी ग्रीन कार्ड के या अन्य संबंधित जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं, उनको वहाँ पार्किंग ना करके या तो अंदर या फिर भरत विहार अन्य क्षेत्रों में करने की बात हुई है। साथ में जो हमारा श्यामपुर फाटक है वहाँ पे अन्य पुलिस व्यवस्था करने की बात है, और 40 जो हेड कांस्टेबल हैं इस क्षेत्र के लिए, चार धाम के लिए विशेष कर
और एक इंस्पेक्टर उसको यहाँ डिप्यूट कर दिया गया है। 200 की डिमांड की है, उस पर भी हम लोग इम्प्रेशन ठीक जाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन। खबर देहरादून से है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश का कोई असर देखने को नहीं मिला। जब A1TV कार्यालय का रियल टाइम पर पहुंचा तो कर्मचारी नदारद मिले। लोक निर्माण विभाग में सुबह 10:30 बजे तक कोई कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचा, जिसकी तस्वीरें A1TV के कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि इस दौरान कैबिन कार्यालयों में कुर्सियां खाली पड़ी रही। वहीं इस पूरे मामले पर इंजीनियर अशोक कुमार का कहना है कि तमाम कर्मचारी निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी समय से आने में लापरवाही करता है तो विभागीय नियमावली के अनुसार उस कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी। नहीं, सामान्यतः तो कर्मचारी समय पर ही पहुंच रहे हैं। बायोमेट्रिक जो व्यवस्था थी कोविड के कारण बंद कर दी गई थी, उसके बाद हमने अपने जो पुराना पद्धति थी उपस्थिति पंजिका वो यहाँ पे हमने रख दी थी। उसके उस पर लोग जो उपस्थिति थी दर्ज करते थे और उसके उसी के अनुसार हम ना सुनिश्चित करते थे कि लोग समय पर पहुँचे। अब क्योंकि दोबारा अभी शासनादेश हो गया है कि बायोमेट्रिक के माध्यम से ही उपस्थिति दर्ज की जाएगी, तो उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे तैयार है, उसको आज देखकर उसको आज से ही हम इसको चालू करवा लेंगे, और फिर जिससे कि ना लोग समय पर पहुँच पाए। अगर कोई समय पर नहीं पहुँचता है तो उसके खिलाफ तदनुसार वैसे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन यात्रा के शुरुआती दौर में ही कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि गढ़वाल क्षेत्र में काशी विश्वनाथ के दर्शन पर यात्रा पड़ाव का भी जायजा लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार यात्रा चलाने में पहले दिन से ही विफल हो गई है। पहले दिन ही 3 महिलाओं की मौत यह बताती है कि सरकार यात्रा व्यवस्था को बनाने में असफल रही है। सरकार का बयान आता है कि सर हमारी तैयारियां पूरी हो गई, दूसरी तरफ उनका बयान ये आता है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने जाएगी, 8 लाख के आसपास अनुयायी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एकदम से कहा जाता है कि साहब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको आने दिया जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग वालों को आने दिया जाएगा, तो ये अपने आप में कमी है। क्योंकि जिन लोगों ने लोन लेके होटल्स बनाए हैं, जिन नौजवानों ने गांव के लोन लेके होम स्टे बनाए हैं, उन लोगों को कोरोना में वैसी बड़ी परेशानी रही, उनके कारोबार चौपट हो गए। और आज जब एक यात्रा शुरू हो रही जिससे पूरे साल भर का लोगों का जीवन यापन होता है हमारे गढ़वाल क्षेत्र में, उसको फिर रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, तो ये टूरिज्म के लिए भी खतरनाक है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी खतरनाक है। सरकार को कोविड की जांच की इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो इन्फ्लो है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं उनको आने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए। विधानसभा उपचुनाव 2022 के सफल संपादन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर चंपावत विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की घोषणा होते ही संपूर्ण जनपद में आचार संहिता एवं धारा 144 लागू कर दी गई थी। चुनाव की तैयारी के लिए सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न करने की हर संभव कोशिश करी जाएगी। आपको पता है 2 मई की साइंस इलेक्शन जारी हो चुकी है, हमारे स्तर से भी आदेश जारी किए जा चुके हैं, धारा 144 जनपद में लागू है, और हमारे द्वारा सारी टीम्स नोडल्स FST SST बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और चेकिंग, और हमारे नोडल ऑफिसर्स स्वीप ऑफिसर्स सभी तैनात कर दिए गए हैं। हमने कल सभी जनपद अधिकारियों से मीटिंग कर ली है, आज हमने प्रेस मीटिंग भी कर ली है, और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से भी मीटिंग है, और इलेक्शन कमीशन भी लगातार समीक्षा कर रहा है, तो हम पूरा जनपद फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। सरकार द्वारा बढ़ते मामलों को देख स्कूल कॉलेज में सैनिटाइजर के साथ मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहने जाने पर ₹500 जुर्माना भी कर दिया गया है। कल तक तो विलहम्स गर्ल्स स्कूल में 6 केसेस की पुष्टि हुई थी, और अभी
हमारे जो सर्विलांस ऑफिसर हैं उन्होंने 14 केसेस की पुष्टि की है फिलहाल। तो हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन का आदेश किया हुआ है। अभी प्रिंसिपल से एक रिक्वेस्ट भी आया है कि उनके द्वारा कोविड सेल बनाया गया है और उसी कोविड सेल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, तो इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नियम जो भी नियमानुसार है हम लोग कार्रवाई करेंगे। भरत विहार में सरकारी भूमि पर हुए अवैध निर्माण के मामले में डीएम देहरादून ने मौका मुआयना किया। इस दौरान डीएम राजेश कुमार ने अधिकारियों से बातचीत की और एमडीडीए की हुई कार्रवाई पर फीडबैक भी लिया। डीएम ने बताया कि अवैध निर्माण के संबंध में उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी ले ली है। मामले में तहसील प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया कि यह जमीन हर साल चारधाम यात्रा और कुंभ के दौरान पार्किंग के रूप में प्रयोग की जाती है। बताया कि शहर में गंगा तटों पर भी अवैध निर्माण की शिकायत मिली है, जिनका यह संज्ञान ले रहे हैं, जल्द से जल्द अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि भारत विहार की सरकारी भूमि को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त किया जाएगा। मौके पर एसडीएम और तहसीलदार ऋषिकेश में साथ में उपस्थित रहे। देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मतलब जैसे दूसरे तहसील की भी बात करूं तो माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं इसमें कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ का चिन्हीकरण करके उनको जो है उनका ध्वस्तीकरण किया जाए। और हाल ही में हम लोगों ने सदर एसडीएम सदर ने भी और बाकी एसडीएम विकास नगर ने भी इसमें काफ़ी कार्रवाई की है। तो इसी के तर्ज पे हम ऋषिकेश में भी कार्रवाई अमल में लाएंगे। और पिछली बार भी जब मैं आया था, आप लोगों ने इस पॉइंट को उठाया था कि गंगा किनारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मेरे ख्याल से एसडीएम साहब ने उनका चिन्हीकरण भी किया था, कुछ स्ट्रक्चर्स पे ध्वस्त भी हुए हैं। उसी कार्रवाई को आगे ले जाते हुए हम और भी स्ट्रक्चर्स जो ऐसे आते हैं टाइम टू टाइम, इन स्ट्रक्चर्स का चिन्हीकरण करते हुए नियम अनुसार और विधि अनुसार जो कार्रवाई हमें करनी है वो करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में हुए आरिफ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके दो सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी पंजाब के बदमाश हैं। बता दें कि एक युवती की लव मैरिज के बाद उपजी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी आजाद और मृतक आरिफ दोस्त थे। गाँव की रहने वाली युवती के दूसरे धर्म में शादी करने के बाद दोनों में विवाद हो गया था और आजाद इसको लेकर रंजिश रखने लगा था। आजाद ने आरिफ को जान से मारने का प्लान बनाया और साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सरपुड़ा के पास जंगल के निकट एक लाश पड़ी है जिसका गला रेता गया है। तत्काल मौके पर एसएचओ, सीओ और थाने का संपूर्ण फोर्स गया था, तो जो मृतक का शिनाख्त हुआ है आरिफ करके, आरिफ है, निवासी जो है जमोर, थाना कटीमा का निवासी है। तो आरिफ के भाई के तहरीर पर तत्काल मुकदमा भी कायम कर लिया गया, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की गई। तो जिनके शक के आधार पर एक जो आरिफ के भाई के द्वारा जो शक व्यक्त की गई उसके आधार पर एक व्यक्ति आज़ाद को हमने पुलिस ने गहन पूछताछ में पाया गया कि आज़ाद और आरिफ का बीच में एक लड़की को मैटर को लेकर थोड़ा सा रंजिश था जिसके चलते पहले से ही खटपट था। और लेकिन आज़ाद और आरिफ हमेशा अच्छे दोस्त थे और रोज़ इनका खाना पीना रहता था और रोज़ इनका जंगलों में जाकर दारू पीना वो सब रहता था। तो आज़ाद के एक दोस्त हुआ है सुखविंदर उर्फ सुक्का, और सुखविंदर के घर पे दो पंजाब के हार्डकोर क्रिमिनल आए हुए थे जिनका नाम है आशीष और विजय। ये दोनों के ऊपर पटियाला ज़िले में 307, 392 और चोरी, इन सब के संगीन अपराध है। और 307 में हाल ही में जो 307 हुआ था उसमें ये फरार चल रहे थे, वो शरण लेने के लिए यहाँ आए थे, तो ये भी बात पता चलते आई। और तत्काल हमने सत्यापन अभियान जैसे ही चलाया था कल, तभी ये दोनों अभियुक्त जो है अलग से पकड़े गए थे तो संदिग्ध के आधार पर। तो जैसे ही आज़ाद की पूछताछ में इसने ये बात बताया तो हमने इन दोनों को भी अकाउंट फॉर कर लिया। इस प्रकार पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तत्परता और सत्यापन अभियान जो है एक तरीके से रंग लाई और कुल मिला के इस हत्या का खुलासा हो गया है। खबर कुमाऊं के काशीपुर से है, जहां बाजपुर रोड निर्माणाधीन पुल के नीचे से जा रही एक महिला के साथ दो बाइक सवारों ने छीना झपटी की और महिला से 11,000 रुपये छीन कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से लूट की इस घटना का खुलासा किया।
एएसपी ने बताया कि लुटेरों को गिरफ्तार कर घटना में लूटी गई रकम बरामद कर ली गई है। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। एक घटना हुई जो प्रिया मॉल के पास बैंक से अपना पैसा निकाल रही थी और उसके बाद जब वो वापस आ रही थी तो कुछ एक बाइक सवार थे दो व्यक्ति जिन्होंने उनका पर्स छीन लिया जो पीली पन्नी थी और उसमें उनकी पासबुक और बाकी सामान भी था और 11,000 रुपये भी थे। तो वो छीन कर भाग गए और उसके बाद महिला के द्वारा जो है थाना पर सूचना दी गई और इसमें हम लोगों ने टीमें लगाई और सीसीटीवी देखने के लिए और व्यक्तिगत रूप से भी मैनुअली भी कि कहाँ के हो सकते हैं, किस तरह का उनका हुलिया है और ये सारी चीज़ें करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिली और हमने तस्दीक किया सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद। तो दो लोग लड़के जो कि आवाज़ विकास और देवीपुरा खड़गपुर देवीपुरा का एक मनीष है मन्नू और एक अभियुक्त महेश, दोनों लड़के बाइक समेत जिस बाइक पर ये सवार थे और जिस बाइक पर इन्होंने छिनौती की बाइक भी बरामद हो गई और दोनों को गिरफ्तार। कालाडूंगी नैनीताल तिराहे पर बुधवार सुबह लंगा लंबा जाम लग गया। राहगीर और वाहन चालक घंटों तक जाम में परेशान होते रहे। वहीं कालाडूंगी थाना पुलिस ने बेवजह नैनीताल घूमने जा रहे सैकड़ों वाहनों को लौटा दिया, जिससे पर्यटक के पास होटल बुकिंग और अन्य कोई जरूरी कागजात मिले उन्हें ही नैनीताल जाने दिया गया। थाना अध्यक्ष कालाडूंगी राजवीर सिंह नेगी ने पुलिस टीम के साथ घंटों मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। ये जो ईद के बाद छुट्टी पड़ी है इस संबंध में जो है नैनीताल बाइकर्स आ गए, काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं, हल्ला करते हैं, इस चक्कर में बाइकर्स को रोका गया है और जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनकी बुकिंग होने पर उन्हें छोड़ा जा रहा है, लोकलों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं। उत्तराखंड के लाल कुआं और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार कच्ची और पक्की शराब का बोलबाला जबरदस्त तरीके से फैल रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाल और सीओ को शराब तस्करों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच पर कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।